नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप गजबे। अपनी जिंदगी में भी साइकिल होती है, मूड का भी एक साइकिल होता है, बॉस का भी एक साइकिल होता है, और दैट इज हाउ एक्चुअली बिजनेस का भी एक साइकिल होता है। तो हर बिजनेस जैसे कि जिंदगी का साइकिल होता है, लेट्स से कि रोज इवन दिन भर में हमारे मूड का, हमारे थॉट प्रोसेस का भी एक साइकिल होता है। कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत खुशी होती है, कभी बहुत गम होता है, कभी अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एग्जैक्टली सेम वे देर इज अ बिजनेस इज ऑल्सो विच इज हैविंग द साइकिल, एंड दिस इज एक्चुअली द वन फंड विच बेसिकली वर्किंग ऑन द बिजनेस साइकिल, एंड दैट इज एक्चुअली दिस फंड इज कॉल्ड एज आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड। ये क्या है, कैसे है, कैसे काम करता है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं, चलते रहेंगे। उसके पहले वापस एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल इंपीरियल मनी, इसमें सही फ्यूचर सही। सो ये क्या फंड है? ये फंड है आदित्य बिरला बिजनेस साइकिल फंड, और इसका एनएफओ चालू हो रहा है 15 नवंबर से, और ये एनएफओ चलेगा कब तक? तो ये फंड एनएफओ चलेगा 29 नवंबर तक, राइट नाउ। बिजनेस साइकिल फंड में क्या होता है? तो हर बिजनेस में चार फेजेस होते हैं, और चार फेजेस कौन से होते हैं? तो एक्सपेंशन, आप ग्रो करते हो यहाँ पे एक्सपेंशन, फिर यहाँ तक पीक पे पहुँचते हो, फिर उस पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर उसके उसमें स्लंप आता है, और फिर एक नई ग्रोथ साइकिल चालू होती है। दैट इज हाउ एक्चुअली ट्रेंड लाइन चलती रहती है ऐसी। तो ये तो बिजनेस का ऊपर या नीचे जाना जो है, वो बिजनेस का एक्सपेंशन होना, पीक होना, कॉन्ट्रैक्शन, स्लंप होना, ये उसका नेचर है। दुनिया भर के सारे बिजनेसेस में ये होता है, इसमें कुछ भी नई बात नहीं है, राइट? इवन हमारी जिंदगी में भी होता है। तो ये इवन वाईओवाई जीडीपी देखेंगे तो इसका भी सेम स्टोरी है, एक्सपेंशन पीक कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन पीक कॉन्ट्रैक्शन स्लंप, एक्सपेंशन पीक कॉन्ट्रैक्शन स्लंप, इट इज ऑलवेज लाइक दैट। सो लेकिन ऐसे माहौल में भी कुछ बिजनेसेस नीचे जाते हैं और कुछ बिजनेसेस ऊपर जाते हैं, राइट? जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ये जो एक्सपेंशन यहाँ पे और यहाँ पे पीक वाली की, यहाँ पे जब पीक हुआ ना तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जो कि बहुत सस्ते थे, और जब ये पूरा कार्यक्रम नीचे आया तो ये नीचे आने के पॉइंट पे इस यहाँ पे जो बिजनेसेस थे वो, ये इवन दो इकोनॉमी यहाँ पे नीचे है लेकिन यहाँ पे बिजनेसेस पीक हो गए। सो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो, कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं? तो फिस्कल पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट का ऊपर नीचे जाना, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट नीचे करना, डोमेस्टिक ग्लोबल इवेंट्स, अगर कुछ इवेंट्स हो गए तो इलेक्शन हो गया या कुछ इश्यूज आ गए, डिमॉन हो गया, इस टाइप की इश्यूज जो है वो, इस टाइप की इवेंट्स जो है वो आपके बिजनेस को हैम्पर करते हैं। पैंडेमिक अभी आया तो सारे बिजनेस ठप हो गए, रेस्टोरेंट और टूर्स ट्रैवल सारा बंद हो गया, लेकिन आईटी और इंडिपेंडेंट सर्विसेज और बाजार रिलेटेड चीज़ें सारी पीक हो गई, राइट? नाउ रेगुलेटरी चेंज अगर कुछ आया तो वो एक करता है, और ग्लोबल फिस्कल मॉनिटरी पॉलिसीज आए तो अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इंडिया को फर्क पड़ता है, राइट? तो उस टाइप की चीज़ें, और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, ईरान में, इराक में युद्ध हो गया, ईरान वहां से क्रूड की सप्लाई नहीं हो रही है तो इंडिया में फर्क पड़ गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो तकलीफ देती है। नाउ चेंजेस इज द की इंडिकेटर अक्रॉस द फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल। सो कौन सी चेंजेस है? सो की इंडिकेटर क्या क्या रहता है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्रेडिट ग्रोथ, कॉर्पोरेट अर्निंग, अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, इन्वेंटरी की लेवल क्या है, कैपेक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैपेक्स की साइकिल को गवर्नमेंट कैसा देख रही है, इस टाइप की जो चीजें हैं उसमें बहुत तकलीफ जाती है, राइट? सो एक्सपेंशन मोड में ये मतलब ये हो गया की इंडिकेटर, इसको देखेंगे अलग अलग फेज में। तो एक्सपेंशन के मोड के इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही है? तो रिबाउंड हो रही है जैसे कि अभी हो रही है, राइट? क्रेडिट ग्रोथ, ग्रो होना चालू हो गई, कॉर्पोरेट अर्निंग इंप्रूव हो रहा है कंसिस्टेंटली, इन्वेंट्री का लेवल एकदम लो हो गया, कैपेक्स अभी गवर्नमेंट जो है ना पैसा जनरेट कर रही है और वो कैपेक्स कर रही है, राइट? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कि एक्सपेंशन के साइकिल में। लेकिन वही पीक के साइकिल में क्या दिखता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेबिलाइज हो रही है, अभी बहुत ज्यादा करने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्रेडिट ग्रोथ एकदम मजबूत है, लोग धनाधन धनाधन पैसे के ऊपर पैसा खरीद रहे, थोड़ा सा पैसा महंगा भी होगा तो भी खरीद रहे, कॉर्पोरेट अर्निंग एकदम मजबूत है, मतलब पैसा दबा के ईपीएस और ग्रोथ आपको मजबूत नजर आ रही है, ग्रोइंग है, मतलब इन्वेंट्री के लेवल ऐसा लो नहीं है, धीरे धीरे ग्रो हो रही है, कैपेक्स राइज इन प्राइवेट कैपेक्स, गवर्नमेंट का कैपेक्स बंद हो जाता है, ये स्टेबलाइज हो जाता है, प्राइवेट का कैपेक्स बढ़ता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एकदम हाई रहता है, मतलब 82-90-92% तक का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जाता है, मतलब कहीं कहीं तो 100-110-120 भी चले जाता है, राइट? इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी टाइटनिंग होने लगी, गवर्नमेंट थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करने लग जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट एकदम लो रहता है और कंज्यूमर सेंटीमेंट एकदम मजबूत रहता है, अब तो कुछ भी तोड़ फोड़ कर डालेंगे, दैट इज समथिंग लाइक दैट। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? डिक्लाइन वाला, स्लंप में तो सब कुछ बॉटम आउट दिखता है, ऐसा लगता है पूरी दुनिया डूबने वाली है, और ये सबसे सही टाइम है जब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वेरी ऑनेस्ट टाइम टेलिंग यू, राइट? सो इलस्ट्रेशन क्या है फेज वाइज साइकिल के? तो एक्सपेंशन, पीक, स्लंप और इसके अलग अलग चीजें दी है, आप इसको देख लीजिए। नाउ
एक बहुत अच्छी कहावत है, हॉवर्ड मार्क्स क्या बोलते हैं, आई थिंक इट इज एसेंशियल टू रिमेंबर दैट जस्ट अबाउट एवरीथिंग इज साइक्लिकल. सी दुनिया में हर चीज साइक्लिकल है, एक साथ एक चीज से ग्रोइंग फेज में रहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता. एंड देयर इज लिटिल आई एम सर्टन ऑफ, बहुत छोटी चीजें इसके लिए मैं बस बहुत सर्टन हो सकता हूँ, राइट. बट दिस थिंग्स आर ट्रू. साइकिल ऑलवेज प्रिवेल इवेंचुअली एंड नथिंग गोज इन वन डायरेक्शन फॉर ए. दुनिया में कोई भी चीज एक सिंगल डायरेक्शन में जाएगी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. सो साइकिल हमेशा होती है. हर बंदे का दिन आता है, हर चीज का दिन आता है, और वैसे ही मार्केट है, हर सेगमेंट का दिन आता है, 100% आता है, राइट. तो आगे चलते हैं, स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल डिफरेंट मार्केट बिहेवियर. तो यहाँ क्या होता है, यहाँ यूपोरिया, ये तो आपने ऑलरेडी बहुत बार देखा होगा, एंजाइटी हो जाती, फियर, ये डिसअपीयर. यहाँ तो मुझे इस बाजार में काम ही नहीं करना, लोग यहाँ से निकलना चालू कर देते और वापस यहाँ से एक नई चीज चालू हो जाती है, ठीक है. नाउ द इंडस्ट्री कैपिटल साइकिल क्या बोलती है, इसकी ओन अपने डायनामिक्स है, एक कंसोलिडेशन सप्लाई और डिमांड और इसकी बात चलती है, फिर कैपेक्स में स्टॉल्ड हो जाती है प्रोजेक्ट, फिर हाई आरओआई की बात यहाँ पे चलती है, और यहाँ पे राइजिंग कॉम्पिटिशन पिक की बात हो जाती है, राइट. तो सेक्टर्स अलग अलग यहाँ पे रिटर्न्स दिए हुए कि कौन से सेक्टर्स ने कौन सा कब का परफॉर्म किया. तो स्लम्प वाले सेक्टर ने भी जो है सीमेंट ने 17% का परफॉर्म किया, एफएमसीजी ने 24% का परफॉर्म किया है, लेकिन बाकी जो है वो पूरे नीचे टूट गए, राइट. तो मैं जो जब इनिशियल जब मैं अभी ये पूरा वीडियो अपने चालू किया था तब की मैं बात कर रहा हूँ कि स्लम्प के सेक्टर में भी बहुत कुछ, स्लम्प के टाइम में भी कुछ सेक्टर ऐसे रहते हैं जो परफॉर्म करते हैं. एक्सपेंशन में ये देखिए, पिक में यहाँ देखिए, राइट. लेकिन ये पिक में देखिए, पिक यहाँ पे पिक हो गया था, लेकिन तब भी फार्म और आईटी जो है वो निगेटिव परफॉर्म करता है, टेलीकॉम निगेटिव परफॉर्म कर रहा था. तो हर साइकिल से मतलब साइकिल में कुछ चीजें ह्यूजली पिक हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चीजें बॉटम भी आपको मिलती है. तो हर बाजार में आपको पैसा डालने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, राइट. और स्लम्प में तो क्या मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो पूरा मैंड बच जाती है. लेकिन उसमें भी स्लम्प में भी देखिए 7% में टेलीकॉम था, एफएमसीजी था और सीडी था, तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी आई थी, राइट ना. Interestingly, the returns gap between the winners and the losers varies widely. Yeah, that is actually which we talked about. ठीक है. So average return top three sectors के ये दिख जाए आपको, लेकिन average return bottom sector के ये दिख गए आपको. तो even peak में या किसी भी phase में आपको हर बार कुछ ना कुछ ऐसे sector मिलेंगे जो मजबूती से खड़े हैं, और कुछ ना कुछ ऐसे sector मिलेंगे जो उनका बैंड बजा हुआ है, right. Now, सेक्टर बाइफर्केशन डिफेंस में क्या हो जाता है, तो स्ट्रक्चरल ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज दैट इज इन डिमांड, ये डिफेंस सेक्टर्स बहुत मजबूत चलते हैं. नॉन डिफेंस में क्या हो जाता है कि साइक्लिकल स्टोरी, जनरल प्रोडक्ट्स, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो नॉन साइक्लिकल डिफेंस रहती है, वो भी काफ़ी अच्छे से चलती है. सेक्टर बिजनेस इंपैक्ट क्या आता है, डिफेंस में एक्सपेंशन में काम नहीं करते, पिक में काम नहीं करते, कॉन्ट्रैक्शन में बहुत अच्छे से काम करते, स्लंप में बहुत अच्छे से काम करते, नॉन डिफेंसिव या एक्सपेंशन में मजबूत तरीके से काम करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में उसका पूरा ठर्रा हो जाता है, ठीक है ना. ये समझने की बात है वापस कि दिस इज अ साइकिल, पिक, कॉन्ट्रैक्शन, स्लोड एंड देन एक्सपेंशन, राइट. ये अलग अलग यहाँ पे दिए है लोगोज या उसकी आइडेंटिटीज, तो ये बहुत अच्छे से काम करते हैं सेक्टर्स की, सेक्टर्स ये सेक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे, दिस आर द सेक्टर्स विच इज इंडिकेटिंग ना. फार्मा सेक्टर का भी हम लोग एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं. तो फार्मा सेक्टर यहाँ पे देखिए 2000% 87%, राइट. तो निफ्टी जहाँ पे 87 थी वहाँ पे फार्मा जो था वो 202% था, और यहाँ पे भी देखिए यूज है, यहाँ यूज है, राइट. मेटल सेक्टर सेम अनदर स्टोरी, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ बाजार नीचे है लेकिन मेटल ऊपर, निफ्टी ऊपर है लेकिन मेटल नीचे है, और जहाँ पे निफ्टी नीचे आ रही है मेटल को पहुँच गए. सो दिस हैपन्स, राइट. एफएमसीजी सेक्टर में सेम स्टोरी है, सेक्युलर ट्रेलविंड में सेम स्टोरी आ जाती है. सो बिजनेस साइकिल इन्वेस्टिंग क्यों होना चाहिए, सो इधर इज फेवरेबल ऑड्स है. हर बार बिजनेस के साइकिल में कुछ चेंजेस आते हैं और उसको टैप नहीं कर सकते. सो ये जो फंड है ये आपका पैसा उन सेगमेंट में लगाएगा जो कि अपोजिट है, जहाँ पर वैल्यूएशन बहुत अच्छा है और आगे आने वाले 3 साल में 5 साल में इसको वैल्यूएशन फंड मैनेजर को नजर आएगा, राइट. नाउ प्रेजेंटिंग आदित्य बिरला बिजनेस साइकिल फंड. फंड की पोजिशनिंग ओपन एंडेड इक्विटी फंड है, बिजनेस साइकिल है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टिंग अक्रॉस सेक्टर और मार्केट कैप में जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक सेक्टर और सिक्योरिटी सिलेक्शन को सीधा के सीधा फिल्टर आउट कर देगा. इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी टॉप डाउन अप्रोच रहेगा, बाइफरकेट रहेगा, सेक्टर एलोकेशन है, कैपिटल गुड्स है, कोई तकलीफ नहीं. पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी यहाँ पे डिफेंस में एफएमसीजी, यूटिलिटीज, हेल्थ केयर, आईटी सर्विसेज, टेलीकॉम देखेगा, और नॉन डिफेंस में मेटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल्स में देखेगा.
सेगमेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ये करंट इकोनॉमिक फॉर्मली एक्सपेंशन फेज में है, तो एक्सपेंशन फेज में क्या होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी, बहुत मजबूत तरीके से आपको कंजम्पशन डिमांड आपको दबा के मिलेगी। राइट, पिलर्स ऑफ आदित्य बिरला बिजनेस साइकिल फंड कौन कौन है? बैलेंस डिफेंसिव, सेक्टर पोजिशनिंग, पिकिंग राइट कॉम्पिटिशन, नो मार्केट कैप बायस, नो स्टाइल बायस, नो फैक्टर बायस। तो आपको बायसनेस यहाँ पे बहुत कम नजर आएगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कि जब भी आपको कुछ पोर्टफोलियो बने या जिस भी फंड में आप पैसा डाले उसमें बायसनेस ना रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। इट इज ऑलवेज बेटर टू नॉट टू हैव द बायसनेस इन दैट। राइट, कुछ सिलेक्टिव ग्लोबल एक्सपोजर भी रहेगा इसमें, मतलब ये प्लीज नोट कीजिएगा, देयर विल बी सिलेक्टिव ग्लोबल एक्सपोजर। सो व्हाई शुड इन्वेस्ट? रिस्क एवर्स इक्विटी इन्वेस्टर विद इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 5 ईयर मोर, यू शुड इन्वेस्ट। ऑप्ट व्हीकल टू एग्रेसिव पोजीशनिंग अगर करनी है तो यू शुड इन्वेस्ट। राइट, फ्यूचर इनके विनीत मालू एंड मिस्टर नितेश जैन एंड विनोद भट्ट, ये ओवरसीज का देखेंगे काम, लेकिन नितेश जैन एंड विनीत मालू ये इंडिया के फंड मैनेजर रहेंगे, इंडियन स्टॉक्स देखेंगे लोग। ओपन एंडेड इक्विटी है 5,500, S&P BSE टोटल 500 इसका TRI इंडेक्स है। इक्विटी इक्विटी रिलेटेड चीज़ें 80% 100% ये लोग डालेंगे, 20% तक ये लोग डेट में भी डाल सकते हैं, मनी मार्केट में लोग 20% तक डाल सकते हैं, और RIT इन्वेस्ट में भी लोग 10% तक का पैसा डालेंगे। रेगुलर फंड अवेलेबल है, एग्जिट लोड इसमें ऑलमोस्ट एग्जिट लोड 1% का है जो नॉर्मल रहता है, 365 डेज के बाद जीरो, एंड 15 नवंबर को चालू हो रहा है, 29 नवंबर को फिनिश होगा। सो इसके रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन है आप कभी भी पूछे, कोई तकलीफ नहीं है। आई एम हियर टू गिव यू द ब्रीफ अबाउट द यू कैन से आदित्य बिरला बिजनेस साइकिल फंड, और जिसको भी साइक्लिकल अप्रोच अगर आपको चाहिए अपने फंड में तो दिस इज अ फंड वेरी यू कैन थिंक ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स।